सेकेंड फाइलम कौन सा है? नाइडेरिया। सेकेंड फाइलम क्या है? नाइडेरिया, जिसको हम लोग सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। सीलेंट्रेटा का कारण क्या है? क्योंकि इसमें सीलोम कैविटी जैसा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सीलेंट्रेटा। मोस्टली क्या है? एक्वेटिक। सारे कहाँ मिलेंगे? पानी में मिलेंगे, मोस्टली मरीन है, फ्यू आर फ्रेश वाटर। सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगे? समुद्र में रहेंगे, कुछ कुछ फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। आर ससाइल और फ्री लिविंग स्विमिंग, मतलब रुके हुए नहीं, जैसे इसके पहले वाला फाइलम था ना, होल्ड फास्ट था उसके पास, है ना, रुका हुआ था, तो ये ऐसा नहीं है, ये फ्री स्विमिंग है, मूव करेगा हर जगह। सिमेट्री कैसा है? रेडियल एंड डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसा है? रेडियल। रेडियल सिमेट्री मतलब कोई भी रेडियस के एक्सिस से तुम कट करोगे तो वो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहा है? ऐसा कहीं से भी कट करोगे तो वो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड होगा, तो उसको बोला रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब एंडोडर्म होगा, फिर डेड टिश्यू का एक लेयर होगा, फिर एक्टोडर्म होगा, ठीक है, एंडो होगा और एक्टो होगा और एक डेड टिश्यू का लेयर होगा, कौन सा नहीं रहेगा? मेसोडर्म, क्योंकि ऑर्गन नहीं है, कोई टिश्यू ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है ना, ऑर्गन मोस्टली मेसोडर्म से बनते, वो नहीं रहेगा। बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक है, एक साइड से ओपनिंग होगा, एक साइड से बंद होगा। ब्लाइंड सैक मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है, एक साइड से खाना जाएगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा, इसी में से जो न्यूट्रिशन लेना रहेगा सब ले लेंगे, और वापस से जो वेस्ट बचेगा वो बाहर छोड़ देंगे वहीं से, समझा? इसको क्या बोला? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा, उसी में सर्कुलेशन भी होगा और डाइजेशन भी होगा, दोनों वहीं होगा, समझ गया? इसके दो टाइप होते हैं, एक पॉलिप टाइप होता है, एक मेडुसा होता है। पॉलिप का एग्जांपल है हाइड्रा, मेडुसा का टाइप है ऑरेलिया, जेलीफिश, है ना, इसको ध्यान रखना। पॉलिप जो होता है वो किसको बनाता है? मेडुसा को, एसेक्सुअली, ठीक है। और जो मेडुसा है वो पॉलिप बनाता है सेक्सुअली, गैमेट्स फॉर्म करके, समझ गया? पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा बना रहा है, मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप बना रहा है, ये प्रोसेस चलते रहता है, इसको क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है ना, सेक्सुअल और सेक्सुअल, सेक्सुअल और सेक्सुअल ऐसा हो रहा है, इसलिए उसको मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और जो बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक होता है, जिसके अंदर सर्कुलेशन डाइजेशन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो मतलब जो डाइजेशन का पार्ट है, और वास्कुलर मतलब जो ब्लड वेसल्स का काम करते हैं अपने बॉडी में, है ना, अपना गैस्ट्रो अलग है, वास्कुलर अलग है, बट यहाँ पे एक ही है ना, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसीलिए इसको सिलेंटेरॉन भी बोलते हैं। सिलेंटेरॉन, सिलेंटेरॉन मतलब कैविटी, जगह। इनके पास टेंटेकल्स होते हैं ना, देखा होगा, जेलीफिश देखा है ना, जेलीफिश होते हैं ऐसे, है ना, ऐसे 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 उड़ के जाते हैं, जैसा भी हो, तो टेंटेकल्स होता है। टेंटेकल्स मतलब डंक, क्यों रहते हैं वो? ऑफेंस, एंकरेज या डिफेंस, ठीक है। एंकरेज मतलब खुद को होल्ड करके रखना, कहीं जगह पे रुकना है, ठीक है, थक गया बेचारा, खाना बना खा के थक गया, तो आराम आराम करना है, तो इसके लिए एंकरेज। ऑफेंस मतलब किसी को अटैक करके प्रे को पकड़ना, और डिफेंस मतलब खुद को बचाना। असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग एंड रीजनरेशन, मतलब पॉलिप बड और रीजनरेशन करके मेड्यूसा बनाएगा, और सेक्सुअली मेड्यूसा जो है वो गैमेट फॉर्म करके पॉलिप बनाएगा, समझ गया, क्लियर है? ये है नाइडेरिया। क्या है ये? नाइडेरिया। नाइडेरिया है, नाइडोब्लास्ट मतलब एक सेल है,
नाइडेरिया मतलब पूरा जेलीफिश हो गया। अब उसके अंदर हर एक सेल, बहुत सारे सेल होते हैं, देखा है सर, टेंटेकल्स लटकते रहते हैं जेलीफिश में, देखा है ना जेलीफिश कैसी होती है, ऐसी होती है ये सब जो है ना, ये क्या है। तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना, मल्टी सेलुलर है। अब यहाँ पीछे कैविटी है, यहीं से खाना खा रहा है, यहीं से डाइजेशन करके बाहर निकाल रहा है वेस्ट मटेरियल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे बना है, नाइडोब्लास्ट। किससे बना है, नाइडोब्लास्ट। सेल है ये, न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, न्यूक्लियस है ये। तो एक सेल के बारे में बता रहा है वो कि कैसा होता है वो सेल। यूजुअली ऐसा सेल होता है जैसे गन नहीं होता, लोडेड रहता है, वैसे लोडेड है। देख ये क्या है, थ्रेड ट्यूब है ना, ये लोडेड है, और ये स्पाइन है, ये जो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देख ऐसे आ जा रहा है, स्पाइन्स है ये डंक है, यही मारते वो लोग सट, समझ गया। तो जब लोडेड फॉर्म में रहता है या जब अंदर होता है वो, तो वो नॉन रिफ्रेक्टाइल फेज में होता है, तो ऐसा होता है छोटा सा सेल जैसा। बट जैसे उसको लगेगा कि पकड़ना है किसी को, एंकर करना है थ्रेड से, है ना, या फिर स्पाइन किसी को मारना है, ऑफेंस करना है, डिफेंस करना, जो भी, तो उस टाइम ये जो रिफ्रेक्टाइल रॉड्स है ये क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे बाहर, समझ रहे, झटके से। तो स्पाइन बाहर जाएगा और थ्रेड बाहर आ जाएंगे पूरे ऐसे, समझ गया। तो उसका स्ट्रक्चर बताया उसने, जो ये एंट्रन और एग्जिट को कमांड करता है, ये ऐसे फ्लैप जैसे बंद होता है, उसको बोलते हैं ओपरकुलम। क्या बोल रहे हैं, ओपरकुलम। स्टाइलेट होता है छोटे छोटे स्पाइन के ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस होंगे, उसको बोलेंगे स्टाइलेट। स्पाइन होगा पूरा एक बड़ा सा जो डंग का काम कर रहा है, ठीक है, एक सेल है ये। रिफ्रेक्टाइल रॉड्स रहेंगे जो उसको कंट्रोल करते हैं डंग को कि जाना है। स्टाइलेट प्रोजेक्शंस है एंकरेज के लिए, तभी तो वो रुकेगा ना सब जगह जाके। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म रहेगा। न्यूक्लियस है, लासो है, इसका फंक्शन तुम लोगों को नहीं दिया गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लासो, ठीक है। उसका एक स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर सारे भरे हुए हैं, समझ गया, क्लियर।